So guys, क्या आप भी प्लान कर रहे हो 2024 में अपने लिए एक ब्रांड न्यू कार, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कारें जिनके ऊपर आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने, बिल्कुल वेट करना है गाइस। इन कारों के ऊपर पैसे लगाना अभी बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन कार की, जिसको आपको 2024 में लेना अवॉइड करना चाहिए। एंड जिस कार की आज हम बात करने वाले, ये जो कार है ये हैचबैक सेगमेंट की कार है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर कार है। ये कार मारुति की तरफ से आती है, मारुति स्विफ्ट। और इस कार को फिलहाल आपको 2024 में लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उसका एक रीजन ये है बिकॉज इस कार का न्यू फेसलिफ्ट वर्जन बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाला है, तो फिलहाल के लिए अभी इस कार में पैसे लगाना मुझे नहीं लगता कोई फायदे का सौदा है। आप थोड़ा वेट कीजिए बिकॉज इसका जो न्यू फेसलिफ्ट वर्जन है उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, काफी एड ऑन फीचर्स इसके न्यू फेसलिफ्ट वर्जन में आएंगे। कार डायमेंशन वाइज थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसके साथ साथ बहुत सारे एडवांस फीचर इस कार में आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक अपडेट आपको इस कार में मिलने वाला है वो इस कार के इंजन से रिलेटेड है। अब इस कार में आपको जेड सीरीज इंजन देखने को मिलेगा जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। तो जो न्यू जनरेशन अब आपको दिखेगी स्विफ्ट, उसमें आपको इंप्रूव माइलेज देखने को मिलेगी। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी फिलहाल के लिए जो करंट मारुति स्विफ्ट है उस पे पैसे लगाना अभी फायदे का सौदा नहीं है, आपको होल्ड करना है। अगर आप सोच रहे हो स्विफ्ट को कंसिडर कर रहे हो लेने के लिए तो आपको जरूर होल्ड करना है एंड वेट करना है इस कार के न्यू फेसलिफ्ट वर्जन का। सो गाइस, बात करें अपनी नेक्स्ट कार की जिसपे अभी आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, वो है महिंद्रा XUV 300। महिंद्रा XUV 300 का जो फेसलिफ्ट है ना वो पिछले साल से ड्यू चल रहा है, पता नहीं क्यों महिंद्रा इस कार को डिले करता जा रहा है। जब नेक्सॉन रिलीज हुई थी लास्ट ईयर तब से बात चल रही थी महिंद्रा XUV 300 के लॉन्च की, बट ये डिले होते होते 2024 आ गया है। एंड सोर्सेस की माने तो ये कार बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है एंड ये कार की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो मार्च है, तो जल्दी ही ये कार आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। एंड इस कार में इस बार बहुत सारे फीचर्स एड ऑन किए गए हैं। इस कार में अब आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा, अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं इनके XUV 400 से इंस्पायर्ड लगेगा। एंड बात करें इस कार में अब आपको टॉक कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा, तो जिन लोगों को टॉक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट थी वो इस कार में पूरी होने वाली है। तो गाइस, इस कार का अभी आपको वेट करना चाहिए एंड अभी जो करंट XUV 300 आ रही है उस पर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है महिंद्रा की तरफ से, तो इस कार का वेट करना डेफिनेटली बनता है। तो फिलहाल आप XUV 300 में पैसे लगाने से जरूर बचे। सो गाइस, नेक्स्ट कार जिसपे अभी आपको फिलहाल पैसे नहीं लगाने हैं वो कार आती है रेनॉल्ट की तरफ से, वो है रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट क्विड में अभी फिलहाल आपको पैसे नहीं लगाने हैं। इसमें अगर आप सोच रहे हो, अगर आप फर्स्ट बायर, और कई लोग फर्स्ट बायर इस कार को लेने की सोचते हैं, तो अगर आप फर्स्ट बायर और आप ये कार लेना चाहते हो तो प्लीज होल्ड कीजिए बिकॉज इस कार का भी फेसलिफ्ट वर्जन आपको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। पहले इसका एक अपडेटेड वर्जन आया था जिसमें इन्होंने फेसलिफ्ट के नाम पे थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, बट अब इसके एक न्यू फेसलिफ्ट वर्जन के इंडियन मार्केट में आने के पूरे चांसेस हैं एंड बहुत जल्दी रेनॉल्ट इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में उतार सकता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो रेनॉल्ट क्विड के लिए तो इस कार में भी फिलहाल अभी आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको होल्ड करना है। अगर आप रेनॉल्ट क्विड लेना चाहते हो तो थोड़ा सा होल्ड करो और जल्दी इसका फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार की जिसको फिलहाल अभी आपको लेने से बचना है। ये एक सेडान कार है, ये मारुति की तरफ से आती है, हम बात कर रहे हैं मारुति सियाज की। मारुति सियाज का भी फेसलिफ्ट काफी टाइम से ड्यू चल रहा है एंड सोर्सेस की माने तो मारुति जल्दी इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लाने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे थे मारुति सियाज की तरफ जाने का तो मारुति सियाज की तरफ अभी फिलहाल आप मत जाइए, थोड़ा होल्ड कीजिए बिकॉज इस कार का भी फेसलिफ्ट काफी टाइम से ड्यू चल रहा है एंड बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में आपको इसका फेसलिफ्ट वर्जन देखने को मिलेगा। So guys, अगर बात करें सेडान सेगमेंट की कार की तो मारुति सियाज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी सेडान कारों में से एक आती है एंड ये कार मारुति की तरफ से आने वाली बहुत ही बढ़िया सेडान है। बट गाइस, अगर अभी भी ये कार आपको कहीं पे अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल रही है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस कार को ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये मारुति की तरफ से। बट हाँ, अगर आप चाहते हो इसका अपडेटेड वर्जन लेना तो प्लीज आप वेट कीजिए बिकॉज इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी कभी भी इंडियन मार्केट में आ सकता है। सो गाइस, अब बात करते हैं अपनी लास्ट कार की जिसको फिलहाल आपको होल्ड करके रखना है, इस कार में अभी आपको पैसे नहीं लगाने। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की थार की। महिंद्रा कार का भी ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी इसका 5-door वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो महिंद्रा थार का तो मेरी मानो तो थोड़ा दिन और रुक जाओ बिकॉज बहुत ही जल्दी महिंद्रा इस कार को लॉन्च करने वाली है इंडियन मार्केट में। आई नो हम लोग बहुत टाइम से वेट करते आ रहे हैं बट सोर्सेस का माने तो सीरियसली ये कार बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाली है, तो थोड़ा वेट जरूर कर लो यार इस कार के लिए बिकॉज अभी अगर आप पैसे लगा देते हो महिंद्रा थार में तो हो सकता है बाद में रिग्रेट करो कि
महिंद्रा का थार का 5-door वर्जन हमने क्यों नहीं लिया। तो गाइस प्लीज इन कारों को लेने से पहले आप प्लीज एक बार जरूर सोचिएगा, ये जो सारी कार्स मैंने आपको बताई हैं, इन सारी कारों का कहीं ना कहीं फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है। सो गाइस अगर आप अभी प्लान कर रहे हो इन कारों को लेने का, तो मेरी मानो थोड़ा सा वेट करो, बिकॉज बहुत जल्दी इनका फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हो। अगर आपकी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।